और डेली बेस पे इसको अगर टाइम देंगे, हाथ के ऊपर बिठा के रखेंगे, प्यार करेंगे, इंशाल्लाह जिस तरह मेरा 2 साल पुराना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर लेके आए हैं फ्री फ्लैट देने आमिर भाई का, जो पैरेट है हमारे पास अमानत। इंशाल्लाह सुबह उनको मैं डिलीवर कर दूंगा ईद के तीसरे दिन, और कल लाहौर जा रहे हैं उनके पास। और उसके साथ साथ इसकी आखिरी जो फ्री फ्लाइट है हमारे पास हो रही है, जो आज लास्ट इसकी प्रैक्टिस है, या लास्ट हम कह लें कि हमारे पास इसका आज का दिन है। इंशाल्लाह कल मैं डिलीवर कर दूंगा, और बाकी 2 और थे रिंगनेक। फर्स्ट डे आपको पता है कि मैंने 3 फ्री फ्लाइट पे छोड़े थे रिंगनेक, 2 ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, तीसरा ये अभी रुका था ईद की वजह से भाई का, और इंशाल्लाह सुबह मैं ये भी डिलीवर कर दूंगा लाहौर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसको भी बर्ड पैरेट चाहिए तो मैं फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी ईजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कार्गो करवा सकता हूँ। गुजरांवाला, झेलम, सियालकोट, सरगोधा यानी कराची, मुल्तान, वहाँ नॉट पॉसिबल। तो इन सिटी से अगर कोई भी बंदा लेना चाहता है तो अभी जो है फ्री फ्लाइट वाले सारे ही जा चुके हैं। अभी जो हमारे पास पैरट्स पड़े हैं जस्ट एम है, यानी कि घर में उड़ के हाथ के ऊपर आ जाएंगे या हाथ के ऊपर बैठेंगे, टॉकिंग सीख जाएंगे बच्चे, और बाइट शाइड नहीं करेंगे, टेम्ड है। और टॉकिंग सिखाने के लिए अगर किसी को घर की हद तक बच्चे चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको पहले ही बताया कि अब मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आ जाएं और मैसेंजर पे मुझे मैसेज करें। विसलें भी टोटली ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ लोग विसल्स मांग रहे हैं, और जिनकी बुकिंग हो गी थी सभी को उनके पार्सल पहुँच चुके हैं, 2-3 अभी ईद के बाद पार्सल जाएंगे, और इंशाल्लाह बाकी नई विसल्स मैं दोबारा ऑर्डर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह बाद में 10-15-20 दिन बाद विसलें भी मिल जाएंगी। और अभी जो पैरट्स अगर किसी को चाहिए जस्ट टाइम टॉकिंग के लिए, वो आपको बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि फ्री फ्लाइट वाले जितने भी हैं सारे बुक होके जा चुके हैं। ये लास्ट पीस रहेगा, ये भी इंशाल्लाह सुबह चला जाएगा। एक पीस और है वो घर की हद तक अभी आ रहा है फ्री फ्लाइट, अभी मैंने बाहर नहीं करवाई। इंशाल्लाह अगर वो बाहर भी अच्छा रिस्पांस रहा तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा जिसको चाहिए होगा। एक पीस मेरे पास अभी फ्री फ्लाइट वाला है जो घर में ट्रेनिंग कर रहा है। इंशाल्लाह बाहर ओपन फ्री फ्लाइट इसकी तरह उसकी जब हो गई तो इंशाल्लाह वो भी जो भी ऑनर बनना चाहे बन जाएगा। इसके अलावा जो आपको बताया कि जस्ट टॉकिंग के लिए लेना चाहते हैं टेम पीस, वो मेरे फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आ जाए। तो चलते हैं अब प्रैक्टिस करवाने के लिए इसकी, और साथ इसके विसल भी जाएगी पैरट के साथ, भाई को विसल गिफ्ट है साथ फ्री में, और जिस विसल पे फ्री फ्लाइट करवा सकेगा इसकी। निकालने लगे इसको,
ये पीस है जी माशाल्लाह से विसल के ऊपर मेटल की पे लगा हुआ है ऑलरेडी और फुली टेम्ड है, जिस तरह मर्जी हाथ वगैरह लगाएं, सर पे लगाएं। और ये देखें टेल शेल हर चीज़ ओके है। ओपन एरिया आप देख सकते हैं, दरख्त भी हैं, फसलें भी हैं, कुछ घर भी हैं, लेकिन माशाल्लाह से फुल रिस्पांस इसका हमारी तरफ है। इसी तरीके से जैसे जैसे उनके पास डेली वो बाय फ्री फ्लड करवाते जाएंगे और डेली बेस पे इसको अगर टाइम देंगे, हाथ के ऊपर बिठा के रखेंगे, प्यार करेंगे, इंशाल्लाह जिस तरह मेरा 2 साल पुराना मेल है बिल्कुल सेम उसकी ये कॉपी बनेगा। अगर तो मेल बन गया या फीमेल भी बन गई, मस्ती पकड़ गया, तो वो घर के ऊपर से भी उड़ा सकते हैं, एक वफ़ादार साथी उनका बन जाएगा। लेकिन जिस तरह मैं ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ वीकली, उनको चाहिए 4 से 5 दफ़ा बाहर जाके उड़ाए इसको, घर में भी टाइम दें खुला छोड़ के, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी तो एक वफ़ादार साथी बनेगा। जिस तरह मेरे वाला घर भी छोड़ देता हूँ वापस आ जाता है, कहीं नहीं जाता, हालांकि वो मेरी मुँह की विसल पर लगा है, इसको मैंने इस विसल के ऊपर किया। और जितने भी अभी बर्ड्स हैं सारे मेटल की विसल पर, जो कि भाई से मैंने इम्पोर्ट की हुई हैं स्पेशली बर्ड्स के लिए। और इंशाल्लाह आई होप कि भाई को पसंद आएगा, ट्रेनिंग पसंद आएगी, क्योंकि वीडियोस में आपके सामने ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, भागता हूँ तो फौरन से मेरे पीछे नहीं है, ये विसल की पहचान है। ये नहीं है कि अब मेरे पास ये ट्रेन है, नए बंदे के पास जाके गुम हो जाएगा, ट्रेन नहीं होगा। इंशाल्लाह नए बंदे के पास जाके भी ये उसी तरह रिस्पॉन्स करेगा जिस तरह मेरे पास कर रहा है, ठीक है। ये है कि इंशाल्लाह वो पहले 1-2 दफ़ा घर में प्रैक्टिस करके इसकी नेचर के बारे में पता चल जाए ट्रेनिंग का, उसके बाद बाहर छोड़ दें इंशाल्लाह तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। अगर बिलफर्ज बैठ भी जाता है दरख्त के ऊपर तो फ़ौरन विसल करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको बता दिया है कि एक पीस है, अगर वो फ्लाई टाइम बाहर हो गया तो इंशाल्लाह वो मैं मेंशन कर दूंगा, वरना 3-4 पीसेज हैं अभी जो कि जस्ट टॉकिंग के लिए हैं। कुछ लोगों का जी घर की हद तक हमने टॉकिंग करवानी है तो टेम चाहिए बच्चा, तो वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और फेसबुक पेज को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज़रूर, ठीक है। बाकी लव यू, अल्लाह हाफिज़, काट दे। और अभी फाइनली भेजने जा रहे हैं ताहर भाई की अमानत उन्हें विसल, और साथ उनका जो है पैरेट। ये माशाल्लाह से हमारा अफ्रीकन ग्रे, बिलो वाइट, ग्रीन 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 येलो, ये टॉकिंग, ये हमारा तीतर, बाकी आरा वगैरह वगैरह। ये ताहर भाई का बर्ड है, वो ये फ्लाइट है, इसको लेके अड्डे पे जाके कार्गो करवाते हैं।